19 साल बाद ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा अद्भुत और महासंयोग। जी हाँ मित्रों, सावन के महीने की अधिक मास की विनायक चतुर्थी, और यह विनायक चतुर्थी इस बार एक ऐसा अद्भुत और महासंयोग बना रही है जहाँ पर इसका जो महत्व है वो कई गुना बढ़ गया है। वैसे तो दोस्तों हर एक चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है, तो वहीं सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव शंकर की आराधना के लिए होता है, और अधिक मास जो भी होता है ना इसमें भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में मित्रों 19 सालों के इतिहास के बाद सावन के महीने में अधिक मास की जो विनायक चतुर्थी है वो 21 जुलाई 2023 के दिन आ रही है। विनायक चतुर्थी पर कुछ ऐसे अद्भुत उपाय होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करके आप अपने जीवन में जो भी असंभव है ना उसको भी संभव बना सकते हैं, हर एक मनोकामना हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों विनायक चतुर्थी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और विनायक चतुर्थी के दिन ऐसे क्या क्या उपाय किए जाएं जिससे किसी भी व्यक्ति के भाग्य को जागृत किया जा सके, उसके बंद किस्मत को एकदम से चमकाया जा सके। तो दोस्तों विनायक चतुर्थी से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, और हाँ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों सावन की पहली विनायक चतुर्थी सावन के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को है, और इस साल सावन महीने में अधिक मास जुड़ने के कारण दो विनायक चतुर्थी के व्रत आएंगे। पहला विनायक चतुर्थी 21 जुलाई के दिन है। तो चलिए जान लेते हैं सावन की पहली विनायक चतुर्थी की पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे और 45 मिनट का है। यह सुबह 11:05 से शुरू होगा, जो कि दोपहर को 1:50 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से लाभ उन्नति की प्राप्ति होती है, और वही सर्वोत्तम मुहूर्त की अगर बात करें तो दोपहर को 12:27 से शुरू होगा, जो कि 2:10 तक रहेगा। इस बार विनायक चतुर्थी पर एक ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है जिसका नाम है रवि योग, और इस रवि योग के अंतर्गत कुछ ऐसे आसान से उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ है उसे खत्म कर सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सावन की पहली विनायक चतुर्थी पर पूजा की विधि के बारे में कि किस तरह से आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके बाद कुछ उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथिन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है, और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है, और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखे होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन की पहली जो विनायक चतुर्थी है ना, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा, और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान सावन के पवित्र महीने में भगवान गणेश जी के दिन यानी कि विनायक चतुर्दशी के दिन किसी भी 1, 2, 5, 15 या 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों विनायक चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा
विधि क्या है, किस तरह से मित्रों पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 21 जुलाई के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान व ध्यान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो लाल रंग के वस्त्र का उपयोग करें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर यानी कि चावल लेकर व्रत या पूजा करने का संकल्प लें। फिर भगवान गणेश जी की पूजा दोपहर में की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जी का जन्म मध्य काल में हुआ था। ऐसे में दोपहर के समय गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें और षोडश उपचार पूजन करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, माथे पर सिंदूर चढ़ाएं, श्री गणेशाय नमः दुर्वा कुरान समर्पयामी मंत्र का जाप करते हुए 21 दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अर्पित करें और इस दिन भगवान गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग भी लगाएं और उन लड्डुओं में से 5 लड्डू भगवान गणेश जी के पास रहने दें और बाकी को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। पूजा करने के पश्चात गणेश चालीसा, गणेश स्रोत या गणेश अर्थवा शीर्ष का पाठ करें। इसके बाद देसी घी से भगवान गणेश जी की आरती उतारें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। गरीब व्यक्तियों को भोजन करवाएं और शाम के समय भी गणेश जी की आरती उतारें और फ्री व्रत का भोजन ग्रहण करें। आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से विधि विधान के साथ अगर आप भगवान गणेश जी गजानन जी की जो पूजा करेंगे ना, तो आपके जो भी मनोरथ है, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होगी और आपको विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। सावन की जो विनायक चतुर्थी होती है ना, इसका पूरे साल में सबसे ज्यादा महत्व होता है। चलिए जान लेते हैं सावन की विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे महा उपाय, जिनको करके आप अपने जीवन में धन संबंधी परेशानी है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या दोस्तों विवाह का योग नहीं बन रहा है, अगर कुछ भी समस्या है ना, तो आप उसका समाधान पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। अगर आपके घर में धन की कमी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो रखा है या कुछ भी अगर समस्या चल रही है, आर्थिक स्थिति परेशान कर रही है, हाथ में पैसा नहीं टिकता है, तो उसके उपाय के बारे में बात करें। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, या ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है? और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में परेशानियां कब खत्म होगी, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की महाकुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हां मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है दक्षिणा के तौर पर। फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता, ऐसे में फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, गृह कलेश बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में। तो दोस्तों, धन प्राप्ति के जो अगर उपाय की बात करें तो विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को पूजा करें और पूजा में सिंदूर चढ़ाएं, फिर दूब की 21 गांठे बनाकर गणपति को अर्पित करें, उनको गुड़ और लड्डू का भोग लगाएं और गणपति अथर्वा शीर्ष का 51 बार पाठ करें। इस तरह चतुर्थी से आरंभ करके लगातार 11 दिनों तक करने पर व्यक्ति की समस्त आर्थिक समस्याएं, रुपए पैसे धन दौलत संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है और इस उपाय से भक्तों के पास धन भी आने लगता है। चलिए, जीवन में जो संकट चल रहे हैं ना, उससे दूर करने के लिए क्या करना है, विनायक चतुर्थी के दिन जो किन्नर होते हैं, जो थर्ड
जेंडर होते हैं ना, उनको कुछ पैसा आप भेंट स्वरूप दीजिए, उपहार स्वरूप उनको कुछ पैसा दीजिए और इसके बाद उनसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ पैसा वापस ले लें। इन पैसों को आप अपने घर के पूजा स्थल में रखकर प्रतिदिन पूजा करें। इससे जीवन के लगभग जो संकट है ना वो समाप्त हो जाएंगे और आपके मन में पॉजिटिविटी का वास होने लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले अगले उपाय पर। तो दोस्तों चतुर्थी पर माता पार्वती सहित भगवान शिव शंकर की पूजा करें और इसके बाद गणपति की पूजा करें। पूजा के अंदर गणपति को सिंदूर, लड्डू, पान, सुपारी, लौंग और जनेऊ आदि अर्पित करें। इसके बाद गणेश गायत्री मंत्र का 1100 बार जाप करें। मंत्र जप के बाद आपकी जो भी मनोकामना है भगवान गणेश जी को बताकर उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं। गायत्री गणेश मंत्र का इतना ज्यादा महत्व है ना, अगर आप इसको 1100 बार जप कर लेंगे तो मित्रों वारे न्यारे हो जाएंगे, दिन एकदम से परिवर्तित हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों आज के वीडियो में कुछ इतना ही, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों